प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय। प्यारे भक्तों, आज आप श्रवण करें बृहस्पति बार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवा कर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था, उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी दान नहीं देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया, तो पीछे से बृहस्पति भगवान साधु का भेष धारण करके व्यापारी की पत्नी के समक्ष उपस्थित हुए और भिक्षा मांगने लगे। तब व्यापारी की पत्नी ने साधु महाराज से कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लूटता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति भगवान ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है भला? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसी धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान में दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। सात बृहस्पतिवार घर को गोबर से लिपना और अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना। केशों को धोते समय स्नान भी करना। व्यापारी से हाजामत बनाने को कहना। भोजन में मांस मदिरा खाना। कपड़े अपने घर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति भगवान अंतर ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार सात बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल तीन बृहस्पतिवार बीते कि उसके समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। यह देखकर व्यापारी ने अपनी पुत्री को सत्वाना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता था। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को अवशासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा पर विचार करके रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति भगवान बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। दो पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों को बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चरणा मिट लो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु महाराज जी बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना। तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में लकड़ियां बेचने चल पड़ा।
उसकी लकड़ियाँ अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया। और साथ ही साथ गुरुवार की कथा है तो चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयाँ दूर होने लगी, परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहाँ के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर के लोगों के लिए भोजन का आयोजन किया। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलम्ब से पहुँचे, अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया। जब वे दोनों लौटकर आए तब रानी ने देखा कि उनका खूंटी पर टंगा हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। रानी ने सारा कहानी राजा को सुनाया, फिर राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहाँ उन्होंने बृहस्पति देवता को याद किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें दो पैसे मिलेंगे, उनसे तुम चने और मुनक्का मंगवा कर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पति बार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें दो पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने ले जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह आगे चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे दो पैसे का गुड़ और चना लाकर दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई मैं तुम्हें अभी गुड़ और चना लाकर देती हूँ, मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी और उसके बाद मैं अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद और चंद्रामृत डाला। प्रसाद और चंद्रामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, वह जब अपने पुत्र की विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वह घोड़ी से गिरकर मर गया। जहाँ देख स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु के वेश में वहाँ पहुँचकर कहने लगे, देवी तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है, यह बृहस्पति देव का अनादर करने का कारण हुआ है, तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तब ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चंद्रामृत लेकर अपने घर वापस आई। घर आकर उसने चंद्रामृत अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। चंद्रामृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल में कैद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है, तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा है। दिन निकला तो राजा रानी ने हार पर खूंटी लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह
उच्च कुल में करवाकर दहेज में हीरे जवाहरात दिए। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी, वह स्नान न करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे किंतु उसका कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रता स्नान करके विष्णु भगवान का जाप हुआ बृहस्पति बार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब ये जौ स्वर्ण के हो जाते लौटते समय उनको बीनकर अपने घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने की जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके माता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने की जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पति बार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने की सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लिए। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कोई कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने की सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण भी अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेवा लाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपने स्त्री को साथ लेकर पहुँचे
तो अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री की बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसने बंद कर दिया। प्रातः काल उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। भी मिलकर बोलिए विष्णु भगवान की जय। बृहस्पतिवार की पावन आरती। जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊ कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरेता। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण परे, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खरे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथे दायके सब संचय हारो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी जो कि हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बनेगी। तब लड़की ने कहा, मैं अपने पिताजी से पूछकर कल बताऊंगी। अब साहूकार की बेटी ने घर आकर अपने पिता को सारी बात बताई। तब उसके पिताजी बोले कि वह तो लक्ष्मी माता है, आपने को और क्या चाहिए, तुम लक्ष्मी माता की सहेली बन जाओ। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहने लगी, सहेली बनेगी मेरी? तब लड़की ने कहा, हाँ क्यों नहीं, जरूर बनूंगी। अब लक्ष्मी जी और वह लड़की दोनों जन सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने अपनी सहेली को खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने माँ पिता से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब पिता ने कहा कि सहेली के यहाँ जिमने जाइयो, पर संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल दो साला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार के भोजन करा दिए। जिम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहने लगी कि मैं भी तेरे घर जिमने आऊंगी।
तब लड़की ने कहा, हाँ सहेली क्यों नहीं, जरूर आना। अब वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब पिता ने पूछा कि सहेली की यहाँ से जिम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है। तब उसने कहा, पिताजी मेरे को तो लक्ष्मी जी ने इतना कुछ दिया, अनेक प्रकार की भोजन कराए, परंतु मैं कैसे उनको जिमाऊंगी, आपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा, गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर लेना, चार मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी, उसका नौलखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर वह नौलखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने के थाल, साल दुसाला दे दे, मोहर और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश महाराज, पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी मैं नहीं बैठी, किसी के भी यहाँ नहीं बैठी। तो उसने कहा, पर मेरे यहाँ तो तुम्हें बैठना ही पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी माता ने करी थी वैसे ही उसने भी करी। लक्ष्मी जी उस पर बहुत प्रसन्न हुई और घर में खूब रुपए एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं पर बैठे रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही, उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनते, हुक्कारा भरते, अपने सारे परिवार को देना, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना को पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय हो।